हम लोग कूलाम्स लॉ चैप्टर पढ़ेंगे आज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की दो ब्रांच होती हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम जो भी अध्ययन करते हैं उसमें चार्ज जो है वो स्थिर रहता है, चार्ज स्टेशनरी रहता है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में चार्ज मूविंग होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज आता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, कूलाम्स लॉ, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में करंट, मैग्नेटिज्म, अल्टरनेटिंग करंट और ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आता है। तो पहला चैप्टर है वैद्युत स्थैतिकी। वैद्युत स्थैतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिसमें चार्ज जो है आवेश स्थिर रहता है। उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। अब चार्ज समझने के लिए पहले हमें एटम का स्ट्रक्चर जानना होगा। जो एटम होता है, ठीक है, सब्सटेंस क्या होते हैं या मैटर, मैटर आर दोज थिंग्स विच ऑक्यूपाई द स्पेस एंड हैव सम मास। पदार्थ वे चीज़ें होती हैं जिनका कुछ द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती हैं, और जो स्थान घेरती हैं। तो मैटर जो है वो, ठीक है, कुछ पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मॉलिक्यूल्स जो है वो एटम्स से मिलकर बने होते हैं। एटम्स आर द बिल्डिंग ब्रिक्स ऑफ द मैटर, ठीक है, यानी जो एटम होते हैं किसी भी पदार्थ की बनने की न्यू होते हैं, न्यू की ईट होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स जो हैं आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। मॉलिक्यूल्स जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी सब्सटेंस का जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। एटम्स जो हैं, एटम्स आर आल्सो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस बट इट कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। अब एटम जो है हमें मालूम है, एटम में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन जो है वो आपका न्यूट्रल होता है। इसके चारों ओर कुछ ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे जैसे हम ऑर्बिट से इनकी डिस्टेंसेस बढ़ती चली जाती है तो इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है न्यूक्लियस से वो कम होता चला जाता है। तो जो वाय कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो बीच की अंतरणविक दूरी बहुत अधिक होती है तो उन पर जो बल लगता है बहुत कम होता है, यानी उसकी एनर्जी बहुत अधिक हो जाती है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं या सहयोगी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो फ्री होते हैं कहीं भी मूव करने के लिए, जिनकी बहुत अधिक एनर्जी होती है, उनको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रॉन इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है नाभिक में, और प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए नाभिक पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। निगेटिव चार्ज होता है। अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि चार्ज क्या होता है। अब हमको मालूम है कि अगर हम प्रोटॉन अगर एक पास आए तो ये एक दूसरे को रिपल करते हैं, एक फोर्स इधर लगेगा एक फोर्स इधर लगेगा, एक दूसरे को रिपल करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन लाएँ तो भी ये एक दूसरे को रिपल करते हैं, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन ले लें तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है जो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। ठीक है, इन सभी के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है।
ठीक है, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ठीक है क्रिएट करने की जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्रिएट करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसी को हम चार्ज कहते हैं, ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन और एंड न्यूट्रॉन विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, जो प्रॉपर्टी है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, जो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बना क्रिएट करता है उसे ही हम वैद्युत आवेश कहते हैं, चार्ज को, ठीक है, उसके बिहेवियर से ही हम उसको डिफाइन करते हैं, जो भी चार्ज है हम उसके बिहेवियर से उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है, हमें फंडामेंटली नहीं पता कि चार्ज क्या होता है, दो चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, ठीक है, उसी से हम इस चार्ज को डिफाइन करते हैं, ठीक है, ये फंडामेंटल लॉ है जो फिजिक्स के फंडामेंटल सवालों का कोई जवाब नहीं होता, इसीलिए उनको हम फंडामेंटल कहते हैं, ये वेव फंडामेंटल क्वेश्चन है, ठीक है, जिनका कोई जवाब नहीं होता है तो उनको हम उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी कहते हैं कि ऐसा होता है, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट करता है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होता है, ठीक है, दोनों के बीच में उसी को हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ ए प्रोटॉन और एन न्यूट्रॉन या और फंडामेंटल पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। हमें पता है कि फोर्स अप्लाई, ठीक, किसके कारण होता है, आवेशों के कारण होता है, ठीक है, और हमें इनके जो भी फोर्स लग रहा है उसके हमें डायरेक्शन का भी पता है, ठीक है, हम उस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आवेश जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक धन आवेश एक ऋण आवेश। अब हमें कैसे पता चलेगा किसी वस्तु पर धन आवेश है या ऋण आवेश है, तो मान लिया एक वस्तु ए है एक वस्तु बी है, ए पर मान लिया 16 इलेक्ट्रॉन है और तो इस पर प्रोटॉन भी 16 प्रोटॉन होंगे, बी पर मान लिया 17 इलेक्ट्रॉन है तो इस पर प्रोटॉन भी 17 होंगे, अब इनको रब किया तो इनमें से मान लिया 3 इलेक्ट्रॉन निकलकर बी में चले गए, तो यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 16 प्रोटॉन हो गए, और यहाँ पर 3 बढ़ गए तो ये 20 इलेक्ट्रॉन हो गए और इस पर प्रोटॉन हो गए 17 प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन पे -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम का चार्ज होता है और प्रोटॉन पे +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम का चार्ज होता है। अब इसके 13 इलेक्ट्रॉन इसके 13 प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं तब भी इस पर 3 प्रोटॉन एक्सेस है, इसके 17 प्रोटॉन इसके 20 इलेक्ट्रॉन को 17 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं तो इस पर 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेस है। तो जिस सब्सटेंस पे प्रोटॉनों की संख्या अधिक होती है वो धनावेशित होता है और जिस सब्सटेंस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है वो ऋणावेशित होता है। और नॉर्मल स्टेट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, इसीलिए नॉर्मली, ठीक है, एटम क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां, हमने अभी आवेशन की विधियां बताई, पहली विधि होती है घर्षण द्वारा, घर्षण द्वारा आवेशन, जब दो उपयुक्त पदार्थों को उन अनुकूल परिस्थितियों में जब हम उनको रगड़ते हैं तो उनमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जिस तत्व से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में जाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, ठीक है, यानी धन आवेश की उसमें अधिकता हो जाती है तो वो तत्व धनावेशित हो जाता है और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उस पर ऋण आवेश की अधिकता हो जाती है तो वो ऋणावेशित हो जाता है। तो घर्षण के कारण उत्पन्न विद्युत को हम घर्षण विद्युत या स्थिर विद्युत कहते हैं। दूसरा है चालन द्वारा आवेशन, जो आवेशन होता है वो चालन के द्वारा भी होता है। यदि किसी अनावेशित चालक को किसी अन्य आवेशित चालक से स्पर्श कराएं, एक कोई चालक है वो अनावेशित है
और उसको अगर हम आवेशित चालक से स्पर्श कराएं तो तब क्या होता है, आवेशित चालक के द्वारा ठीक है अपना आवेश अनावेशित चालक को के साथ वो साझा कर लेता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। मान लिया कि एक वस्तु ए है एक बी है, ठीक है, मान लिया एक अनावेशित वस्तु है, तो अनावेशित ये ए जो है वो अनावेशित वस्तु है, तो अनावेशित वस्तु पर इलेक्ट्रॉन दाब जो होता है वो सामान्य होता है। ठीक है, ए ये अनावेशित है, मान लिया बी जो है वो ऋणावेशित है तथा सी जो है वो धनावेशित है। ठीक है, ए अनावेशित है, बी ऋणावेशित है तथा सी धनावेशित है। तो अब क्या करते हैं, जब हम किसी अनावेशित वस्तु पर जो इलेक्ट्रॉन का दाब होता है वो सामान्य होता है, ऋणावेशित वस्तु पर जो इलेक्ट्रॉन का दाब होता है वो सामान्य से अधिक होता है, ठीक है, ठीक, वह धनावेशित वस्तु पर सामान्य से कम दाब होता है। ठीक है, जब हम ऋणावेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से संपर्कित करते हैं, ठीक है, तो अधिक दाब के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो अनावेशित वस्तु पर चले जाते हैं और दोनों में तब तक ट्रांसफर होता रहता है जब तक दोनों का इलेक्ट्रॉन दाब समान ना हो जाए। तो अतः उस समय क्या होता है, अनावेशित चालक भी ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम धनावेशित चालक को अनावेशित चालक से संपर्क कराएं तो क्या होगा, अनावेशित चालक से ठीक है इलेक्ट्रॉन निकलकर धनावेशित चालक की ओर जाते हैं और जब तक जाते रहते हैं जब तक दोनों का इलेक्ट्रॉन दाब समान ना हो जाए। तो इससे अनावेशित चालक में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाने के कारण वो ऋणावेशित हो जाता है। तो ये आवेशन की दो विधियां हो गई, एक घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा चालन द्वारा आवेशन, तीसरा होता है इंडक्शन के कारण। ठीक है, हम क्या कर पढ़ रहे थे, चालन द्वारा आवेशन, तो एक अनावेशित और एक ऋणावेशित और एक धनावेशित चालक है। अनावेशित चालक पर जो इलेक्ट्रॉन दाब होता है वो सामान्य होता है, ऋणावेशित पर कम तथा धनावेशित पर अधिक होता है। जब इन दोनों को संपर्कित करते हैं, ठीक है, जब अनावेशित और ऋणावेशित चालक को संपर्कित करते हैं तो अनावेशित चालक से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर अनावेशित चालक की ओर होता है। चालन द्वारा आवेशन, किसी धनावेशित वस्तु पर इलेक्ट्रॉन दाब समान, ऋणावेशित वस्तु पर इलेक्ट्रॉन दाब जो होता है वो सामान्य से अधिक होता है तथा धनावेशित वस्तु पर सामान्य से कम होता है। जब ऋणावेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से संपर्क करते हैं तब अधिक दाब के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अनावेशित चालक की ओर जाने लगते हैं और तब तक जाते रहते हैं जब तक दोनों का इलेक्ट्रॉन दाब समान ना हो जाए। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, अनावेशित चालक भी क्या होता है, ऋणावेशित हो जाता है। अब जब हम अनावेशित चालक को धनावेशित चालक के पास लेके आते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर धनावेशित चालक की ओर जाने लगते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाने के कारण जो अनावेशित चालक है वो ऋणावेशित हो जाता है। तीसरा है प्रेरण द्वारा प्रेरण
द्वारा आवेशन। हमने पढ़ा आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पहला धनावेश, दूसरा ऋणावेश। तो आवेशों का एक गुण होता है, ठीक है, कि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। मतलब एक अगर धन आवेश है और एक ऋण आवेश है, अगर इनको पास मिलाए तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, लेकिन और समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसी प्रॉपर्टी का हम उपयोग करके प्रेरण द्वारा आवेशन को डिफाइन करेंगे। प्रेरण द्वारा आवेशन किसी आवेशित चालक को किसी पृथक्कृत अनावेशित चालक में आवेशों का पुनर्वितरण होता है तथा निकटवर्ती पृष्ठ पर आवेशित चालकों के पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो आवेशन की जो ये घटना होती है इसी को हम प्रेरण के द्वारा आवेशन कहते हैं। ये एक चालक है, ठीक है। अब हम इस चालक पे एक धनावेशित क्षण इसके पास लेके आते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया था, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसके कारण क्या होगा, इस गोले के इस सतह पर ऋणावेश हो जाएगा और इस सतह पर धनावेश हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। तो अर्थ क्या करता है, जो अर्थ है वो संपूर्ण धनावेश को अपनी ओर खींच लेता है, ठीक है। फिर अगर हम इस क्षण को जो धन क्षण इसके पास लेके आए थे इसको हटा लें तो ये जो चालक है ये पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। तो जो ये धन क्षण इस पर लाई गई थी जिस पर धन आवेश था उसको हम प्रेरक आवेश कहते हैं और इसको जो गोले पर ऋण आवेश हो गया इसको हम प्रेरित आवेश कहते हैं और यही घटना प्रेरण के द्वारा आवेशन को सिद्ध करती है। वैद्युत आवेशों के कुछ गुण होते हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है आवेशों के मध्य बल लगता है। तो अभी बताया था सजातीय प्रकृति के जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है तो ये आवेशों का संरक्षण। तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि संरक्षण मतलब आवेश ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं ना ही नष्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो आवेश जो है ना ही उत्पन्न किए जा सकते हैं ना ही नष्ट किए जा सकते हैं, अर्थात विलगित निकाय का कुल आवेश जो है वो संरक्षित रहता है और यही आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है युग्म उत्पादन। युग्म उत्पादन क्या होता है, जब भी फोटान किसी भारी नाभिक पर पड़ेगा, ठीक है, तो किसी भारी जब भी फोटान गामा फोटान किसी भारी नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाए तो क्या होता है, इसका पूरी तरह से विनाश हो जाता है तथा इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म प्राप्त होता है। इस क्रिया के प्रारंभ में तथा बाद में, ठीक है, अवस्थाओं में जो कुल आवेश होता है, ठीक है, वो शून्य होता है। दूसरे प्रॉपर्टी होती है आवेशों की योज्यता, मतलब जितने भी कुल आवेश हों उसका बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसी वस्तु पर कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मान लो Q1 Q2 Q3 Q4 ये आवेश हो तो कुल आवेश जो है वो क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। मान लो अगर ये Q1 है, एक माइनस Q2 है, एक प्लस में है, ठीक है, तो ये कैसे जो ऐड करेंगे, Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस टेस्ट सो ऑन,
ये ऐसे चलता चला जाएगा। तो ये आवेशों की क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। और आवेश जो होते हैं वो पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं, यानी क्यू टू क्यू थ्री क्यू या फोर क्यू, आवेश जो होते हैं q इज इक्वल टू जो होगा ये पूर्ण, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं, मतलब q इज इक्वल टू 1e 2e, आवेश जो भी होगा 3e प्लस माइनस दोनों हो सकता है, डैश डैश प्लस माइनस ne, यानी q इज इक्वल टू ne, ठीक है। जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, e क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, क्यू इज इक्वल टू एन ई। तो ये आवेशों के गुण हो गए, ये आवेशों की प्रॉपर्टीज हो गई।